Hello, students. Today we are going to begin with Unit 4 Nature. This is your English reader book. Let us start this unit. See the introduction. Read the following excerpt from Dr. C. V. Raman's convocation address to the students at the Indian Institute of Technology, Madras, now Chennai, way back on July 30, 1966. ये एग्जर्प्ट है एग्जर्प्ट मीन्स एक पार्ट है जिसको कहते हैं एक अंश है डॉक्टर सी वी रमन आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो कि अब चेन्नई है जिसका नेम ओके आई आई चेन्नई में एक कॉन्वोकेशन में गए थे कॉन्वोकेशन एड्रेस कॉन्वोकेशन होता है जब स्टूडेंट्स के डिग्री कंप्लीट हो जाती है डिग्री कोर्स तो वो डिग्री ऑफर करते हैं उनको जैसे हमारे यहाँ क्लास कंप्लीट हो गई टेंथ की होगी ट्वेल्थ की होगी तो सर्टिफिकेट मिलता है ना तो डिग्री कॉलेजेस में इनमें आई आई टी इंस्टीट्यूट जो होते हैं इनमें डिग्रीज मिलती हैं तो डिग्री स्टूडेंट्स को मिल रही थी वो कॉन्वोकेशन फंक्शन होता है उसमें एड्रेस मीन्स उनका एक भाषण था ठीक है तो वहां पर वो स्टूडेंट्स को थर्टी जुलाई 1966 में ये भाषण जो उन्होंने दिया था ये पार्ट उसका एक एक पार्ट है अंश है ओवर फोर डेकेड्स लेटर चार दशक मीन्स सिक्सटी सिक्स से लेके अब तो चार दशक से भी ज्यादा हो गए हैं सिक्सटी सिक्स में देखो ये हुआ था सेवनटी सिक्स तक वन डेकेड एटी सिक्स तक टू डेकेड्स नाइनटी सिक्स तक थ्री डेकेड्स टू थाउजेंड सिक्स तक फोर डेकेड्स टू थाउजेंड सिक्सटीन सिक्सटीन तक फाइव डेकेड्स और आगे टू थाउजेंड ट्वेंटी आ गया है फाइव डेकेड से भी ज्यादा टाइम हो गया है बट डॉक्टर रमन वर्ड्स कैरी द सेम रेलिवेंस फॉर अस उन्होंने जो कहे थे उनके शब्द आज भी हमारे लिए उतने ही रेलीवेंट हैं आज भी उतने ही संबंधित हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जैसे उस टाइम में थे तो डॉक्टर सी वी रमन आपको पता है एक मैथेमेटिशियन है ग्रेट मैथमेटिशियन तो आई थिंक मैथमेटिशियन ओके तो डॉक्टर सी वी रमन इस कॉन्वर्केशन में गए थे और उन्होंने जो भाषण दिया था वो आज भी रिलेटेड है हमारे लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी उस टाइम पे थी सी द टॉपिक नेचर एंड ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ जो है वो नेचर से कैसे रिलेटेड है द डायरेक्टर वॉज टेकिंग मी ऑन राइड थ्रू योर कैंपस योर यहां उन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं ये उनका भाषण है ना जो भाषण का एक अंश है तो भाषण में जैसे हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है और कोई जो चीफ गेस्ट होते हैं वो आके भाषण देते हैं हम लोग सुन रहे होते हैं पूरे स्टूडेंट्स और स्टाफ सब सुनते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि आपके स्कूल का ये है वो है इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपके कैंपस में डायरेक्टर साहब मुझे एक जॉय राइड पर घुमाने के लिए लेके गए कैंपस बहुत बड़ा होता है यूनिवर्सिटी का और इनका आईआईटी इंस्टीट्यूट्स का ओके तो वो बहुत सारे चार पांच छे किलोमीटर के एरिया में होता है तो जॉय राइड मीन्स उनकी गाड़ी में उनको घुमाने लेके गए आई थिंक आई शुड करेक्टली डिस्क्राइब दिस एज अ जॉय राइड जॉय राइड वो होती है जिसको जहां हमें घूम के वो जगह देख के मजा आए खुशी हो तो वो कहते हैं कि ये जॉय राइड ही सही वर्ड है इट वॉज जस्ट थ्रिलिंग थ्रिलिंग मीन्स बहुत एक्साइटिंग जोश में आ गया मैं थ्रिलिंग टू सी द वंडरफुल ओल्ड बनियन ट्रीज और द वाइल्ड ग्रासेज वो पुराना बनियन ट्री बनियन मीन्स जो बरगद का पेड़ था वो देखा मैंने जो जंगली घास होती है वो देखी दस हियर एंड देयर कांटेदार झाड़ियां इधर उधर एंड अकेजनली अफ्यू बिल्डिंग्स बाय द वे और कहीं कहीं थोड़ी सी बिल्डिंग्स भी थी तो ये आई आई टी इंस्टीट्यूट था चेन्नई का जहां पे उस टाइम में नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में जो कैंपस था उसमें अब तो किसी यूनिवर्सिटी का किसी इंस्टीट्यूट का कैंपस होगा तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होंगी वहाँ पे हरियाली पेड़ पुराने पेड़ ये सब नज़र नहीं आएंगे लेकिन उस टाइम पे इतने डेवलप्ड नहीं था वो इंस्टीट्यूट तो वहाँ पर ये सब नेचर से रिलेटेड चीज़ें थी नेचर की जो ये चीज़ें थी उनको देख के डॉक्टर सी रमन बहुत खुश हुए वेल दैट इज एज इट ऑट टू बी ऐसे ही होना चाहिए बिकॉज आई ऑलवेज था स्टडी एग्जामिनेशन बुक्स लेक्चर एंड शो ऑन आर बट अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ अ मैन और अ वूमन क्योंकि मुझे हमेशा लगता है की स्टडी एग्जाम्स बुक लेक्चर ये सब चीजें एक मैन या वुमन की लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होते हैं ज्यादातर पार्ट हमारी लाइफ का नेचर ही होती है आई हैव ऑलवेज सेट टू माई सेल्फ एंड अदर्स डेट आई रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द वर्ल्ड नेचर हर सेल्फ और वो कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने आप से भी कहता हूं और दूसरों से भी कहा है कि जो वर्ल्ड uh, का दुनिया का ग्रेटेस्ट फीचर सबसे महान एक जो फीचर है फीचर का मतलब गुण है क्वालिटी है वो नेचर है और किसको कहा है नेचर को नेचर सुप्रीम सबसे बेहतरीन है 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 कलाकार है. कलाकार क्यों बेहतरीन शी क्रिएट्स फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी लवलीनेस एंड कलर क्योंकि नेचर सुंदर चीजें बनाती है लवली प्यारी चीजें और रंग रंग बिरंगी चीजें बनाती है अनसरपासिबल जिनके जिनका मुकाबला नहीं हो सकता जिनको कोई सरपास नहीं कर सकता एंड दिस हैज बीन सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम और शुरू से जब से नेचर या दुनिया बनी है तब से ऐसा ही है नेचर की क्रिएशंस बेस्ट क्रिएशन है चाहे वो रंग देख लो चाहे वो आकार देख लो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके फूल पौधे पेड़ नदी पहाड़ ये सब नेचर की बेस्ट क्रिएशंस हैं शी इज ऑल्सो द इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर of artists painters sculptors and engineers but also of men of science और नेचर से प्रेरणा लेकर सिर्फ कलाकार पेंटर पेंटिंग करने वाले स्कल्प्टर्स मूर्तियां बनाने वाले और इंजीनियर्स जो मकान और पुल वगैरह बनाते हैं सिर्फ इन्होंने ही प्रेरणा नहीं ली नेचर से बल्कि मैन ऑफ साइंस विज्ञान ने भी वैज्ञानिकों ने भी नेचर से ही प्रेरणा ली है जैसे साइंस में हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन बनाया है तो कहाँ से प्रेरणा मिली है उड़ते हुए पंछी देखे हैं ना पक्षी तो उनसे प्रेरणा मिली तो नेचर से ही प्रेरणा लेते हैं वेन आई से दिस आई रिमेंबर मेनी इस ए गो आई वॉज स्टैंडिंग बिलो द पिलर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ लक्सर और कहता है कि अभी मैं यही कह रहा हूं ना कि सुंदर चीजें जो हैं ये कलाकार या पेंटर स्कल्प्टर या साइंटिस्ट नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं तो बहुत साल पहले जब मैं लग्जर के मंदिर के पिलर्स के नीचे खड़ा हुआ था ठीक है वहां पे वो याद आता है उनको वट डिड आई फाइंड एट द टॉप तो मैंने टॉप पर ऊंचाई पर देखा जब पिलर के ऊपर तो क्या था द लोटस पैपिरस तो उसमें उन पिलर्स के ऊपर सबसे टॉप पर क्या डिजाइन बनाए हुए थे लोटस कमल के पेपिरस जो पेड़ होते हैं एक टाइप के उनके पत्तों के डिजाइन बने हुए थे दीज फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड और इस तरह से साइंटिस्ट लगा लो इंजीनियर लगा लो स्कल्प्टर कोई भी है तो नेचर से मैनकाइंड मीन्स पूरी मानव जाति नेचर से प्रेरणा लेती है वेल आई शुड से दैट दे शुड ऑल्सो बी द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल दीज ग्रेजुएट्स ऑफ द ईयर ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपने कोर्स कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट कर लिया है इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आईआईटी चेन्नई के स्टूडेंट्स तो वो कहते हैं और मैं चाहता हूं कि यही इंस्पिरेशन इन लोगों को भी जो यहां से आज पास होकर अपनी डिग्रीज लेके जा रहे हैं उनको भी ये नेचर से ही प्रेरणा लेनी चाहिए यूजली टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री आर एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इन दोनों चीजों को इंडस्ट्री मीन्स जो फैक्ट्रीज कह सकते हो जिसमें आ, लेबर लोग लेबर लग, लगते हैं या मशीनों के द्वारा कोई ना कोई सामान बनाया जाता है और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मशीनें कैसे काम करती हैं ये दोनों चीजें आपस में एसोसिएटेड हैं। आई डोंट से जस्टली विद स्क्वेलर डस्ट अग्लीनेस स्मोक एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एबोमिनेशन और वो कहता है कि मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा मैं सही नहीं रहूंगा यहां पे कि अगर मैं इसको एसोसिएट करे यहां पर कहा गया टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री आर एसोसिएटेड इस पार्ट को भी छोड़ दीजिए विद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो स्क्वेलर गंदगी डस्ट धूल मिट्टी अग्लीनेस बुरा लगती है जो चीजें स्मोक धुआं और ऑल टाइप ऑफ एबोमिनेशन अग्लीनेस ठीक है इन सब चीजों से एसोसिएटेड मानी जाती हैं जहां पर टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री है वहां पर ये नेगेटिव चीजें भी पाई जाती हैं और यहां पे वो कहते हैं कि आई डोंट से जस्टली मैं ऐसा कह रहा हूं लेकिन मैं पूरी तरह से सही नहीं कह रहा हूं दैट ऑट नॉट टू बी सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गंदगी धूल मिट्टी स्मोक ये सब चीजें ही हो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में आई थिंक your एजुकेशन इज imperfect इफ यू डू नॉट रियलाइज my यंग फ्रेंड्स दैट लाइफ इज नॉट merely अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग फूड clothes and shelter. और वो कहते हैं इन स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं मानता हूं कि आपकी एजुकेशन तब तक परफेक्ट नहीं होगी जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि लाइफ सिर्फ खाना प्राप्त करना कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पूरी करना ही लाइफ नहीं है मैन डज नॉट लिव अलोन सिर्फ खाने के लिए थोड़ी ना मैन जिंदा होता है मैन की लाइफ सिर्फ खाने के लिए थोड़ी ना है। This has been from ancient times और ये बात सदियों से पुराने जमाने से पुराने ज़माने महसूस की जाती है आई थिंक दैट द फाइनेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट दीज और मैं मानता हूँ कि लाइफ में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही सबसे अच्छी चीजें नहीं है म्यूजिक कलर फ्लावर्स ब्यूटी एस्थेटिक सेंस एस्थेटिक सेंस मीन्स सुंदरता की परख होना और सेटिस्फैक्शन और इनको देख के एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम दोज इन सब से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है असल में वही फाइनेस्ट थिंग्स हैं दुनिया में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि ये सब चीजें दुनिया में सबसे फाइन है सबसे सुंदर है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट ट्राई टू फिल इन ब्लैंक्स इन दीज सेंटेंसेस ओके आपके वन टू थ्री सिंपल है फोर्थ वाले में देखिए टेक्नोलॉजी नीड नॉट बी यहाँ पे एसोसिएटेड विद और आगे आपने फाइंड करके फिर भरना है एसोसिएटेड विद में आपको हिंट दे रही हूँ टेक्नोलॉजी नीड नॉट बी एसोसिएटेड विद आगे जो आपके पास इस पैसेज में पीछे वर्ड है वो फिल करने है यू विल ट्राई टू डू दिस पार्ट And tomorrow we will study the next poem, The Daffodils. You will read this poem also. Fine?